नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष मीनाक्षी। आइए जानते हैं कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना मेष राशि वाले लोगों का। दोस्तों, जुलाई के महीने में मंगल देव का गोचर होने वाला है। मंगल देव अपनी राशि मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जाने वाले हैं और वहां पर वो गुरु के साथ युति बनाएंगे। दोस्तों, 29 जून को शुक्र देव का भी उदय हो जाएगा, जिससे मेष राशि वालों को बहुत फायदा होगा। जैसे ही शुक्र का उदय होगा, उनके जीवन में जो अभी तक भाग दौड़ चल रही थी व्यर्थ की, वो दूर हो जाएगी। शुक्र देव अभी उनके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि वालों के तीसरे भाव में बुध और सूर्य बुद्धादित्य योग बना रहे हैं और जैसे ही शुक्र का उदय हो जाएगा 29 जून को रात 7:52 पर, वहां पर लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाएगा। इससे उनके भाग में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तीनों ग्रह अपनी सीधी दृष्टि उनके नौवें भाव पर डालेंगे तो भाग में वृद्धि होगी। ये तीनों ग्रह आपके नवे भाव को अपनी सातवीं दृष्टि से देखेंगे तो इनकी शुभ दृष्टि पड़ने से आपके भाग्य में वृद्धि आएगी। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। साथ ही साथ आपके पिता से भी संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको भाग्य का साथ अपने जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा, चाहे वो नौकरी हो, पदोन्नति हो, मकान वाहन हो, विवाह हो, हर क्षेत्र में आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलने लगेगा। दोस्तों, जुलाई के महीने में जैसे ही मंगल देव आपके पहले भाव से निकलकर आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे, आपके धन कुटुंब वाणी के भाव को मजबूत कर देंगे। यानी आपको कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आपके कुटुंब के साथ संबंध सुधर सकते हैं, लेकिन मंगल देव यहाँ पर बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि आपके आठवें भाव में डालेंगे तो आप वाहन वगैरह धीरे चलाएं, नहीं तो दुर्घटना के भी योग बन सकते हैं। साथ ही साथ आपके ससुराल वालों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, आपके अपने ससुराल वालों से झगड़े हो सकते हैं या फिर कोई बहुत बड़ा मनमुटाव भी करवा सकते हैं मंगल देव दूसरे भाव में जब गोचर करेंगे तो। दोस्तों, गुरु और मंगल की युति से फाइनेंस के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको बहुत फायदा होगा। फाइनेंस से रिलेटेड काम काज जो लोग करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह, उन लोगों को काफ़ी बड़ा लाभ हो सकता है जैसे ही मंगल और गुरु की युति बनेगी मेष राशि वाले के दूसरे भाव में। दोस्तों, आपके तीसरे भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा बुध और शुक्र के गोचर से, तो इस गोचर से आपको बहुत ही बड़ी डील मिल सकती है। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आपको कहीं से बहुत बड़ी डील मिल सकती है और आपको उस डील में फायदा भी होगा। दोस्तों, सूर्य देव आपके तीसरे भाव में बैठकर आपके छोटे भाई बहनों से आपको झगड़ा करवा सकते हैं, आपके संबंध उनके साथ खराब हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर बैठकर सूर्य देव आपको काफ़ी लाभ करवाएंगे, लेकिन आपके छोटे भाई बहनों से झगड़े हो सकते हैं या फिर छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं। दोस्तों, बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और अभी फिलहाल वो वहीं पे रहेंगे। बृहस्पति के दूसरे भाव में होने से आपको धन संबंधित किसी तरह की परेशानी अभी नहीं आएगी और आपका ये महीना भी धन के मामले में बहुत अच्छा निकलने वाला है। साथ ही साथ आपके जो खर्चे हैं उसको भी कंट्रोल करेंगे बृहस्पति देव यहाँ पर बैठकर। बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि डालेंगे आपके आठवें भाव में तो आपकी आयु को बढ़ाने का काम करेंगे, आपको हेल्थ रिलेटेड जो परेशानियां हैं उसको दूर करेंगे। लेकिन जैसे ही मंगल यहाँ पर आ जाएंगे, आपको गाड़ी या वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको छोटी मोटी एक्सीडेंट या फिर किसी दुर्घटना से गुजरना पड़ सकता है। साथ ही साथ मंगल देव यहाँ पर बैठकर आकर आपको क्रोध में अधिकता दे सकते हैं और आपके अपने लोगों से आपके संबंध को खराब करवा सकते हैं। बृहस्पति देव आपको आपके शत्रुओं से बचाने का काम करेंगे दूसरे भाव में बैठकर। साथ ही साथ आपके लोन भी बहुत आसानी से रीपेमेंट कर पाएंगे आप।
बृहस्पति देव अपनी नौवीं दृष्टि डालेंगे आपके कर्म भाव में, यानी कि आपके दसवें भाव में। तो कर्म क्षेत्र में भी ये आपको बहुत ही लाभ दिलवाएंगे। आपकी नौकरी बहुत अच्छी चलेगी, आप नई नौकरी तलाश रहे हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। साथ ही साथ आप जहां नौकरी करते हैं वहां पर आपको प्रमोशन के भी योग बनाएंगे बृहस्पति देव दूसरे भाव में बैठकर। मंगल देव अपनी 11वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे, तो आपको जो है वो फजूल की लंबी यात्रा करवा सकते हैं मंगल देव। साथ ही साथ आपके जो खर्चे हैं उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम मंगल देव कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति दूसरे भाव में बैठकर उन खर्चों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच के हैं या फिर मंगल की प्लेसमेंट किसी खराब स्थान में है यानी त्रिक भाव में है, तो आपको जेल यात्रा भी करवा सकते हैं मंगल देव। साथ ही साथ आपको अदालती मामलों में भी फंसाने का काम मंगल देव यहाँ पर गोचर करने के बाद कर सकते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों में सावधान रहना है। लेकिन मंगल अगर आपकी चार्ट में आपकी कुंडली में अच्छे विराजमान हैं, अच्छे बैठे हुए हैं, अच्छे भावों में बैठे हुए हैं, आपके केंद्र और त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, तब फिर मंगल देव यहाँ पर आपको 12वें भाव से रिलेटेड अच्छे फल देंगे। यानी आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ विदेष घूमने जा सकते हैं। ये थी मेष राशि वालों के लिए जुलाई महीने की प्रेडिक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इससे हेल्प मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।